हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्मार्ट शॉपर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मिल्टन का फ्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। इसे मैंने अमेज़ोन से 1175 रुपीज़ में मंगवाया है। वैसे इसका MRP 1470 है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स को जानेंगे और चेक करेंगे कि ये कितना यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है मिल्टन का फ्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए, ये है मिल्टन का फ्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स जो रेड कलर में है। इसके और दो कलर्स भी आते हैं, ग्रीन और ऑरेंज। यहाँ पर ऑन ऑफ LED इंडिकेटर दे रखा है। इसकी बॉडी हीट रेसिस्टेंट प्लास्टिक में है और इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ में है। कैरी करने के लिए ये चौड़ी बेल्ट दे रखी है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी बॉडी डबल लेयर में है, जिसकी वजह से फूड काफ़ी समय तक गर्म रहता है। ऊपर की तरफ कॉर्ड को रखने के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जिसे आप प्रेस करके और ऊपर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी कॉर्ड है, जिसमें 2 पिन प्लग दिया हुआ है और इसके कॉर्ड करीब 1 मीटर के हैं। यहाँ पर ये सॉकेट दिया हुआ है, जिसमें आप इसके कॉर्ड को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इसके लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक पुश बटन दिया रखा है, जिसको आपको प्रेस करके ऊपर की तरफ पुश करना है और इसकी ये लिड खुल जाती है। ये इसके स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हैं, जो रबर ग्रिप लिफ्टर के साथ दिए हुए हैं। देखिए, ये रबर ग्रिप है। हर एक कंटेनर की कैपेसिटी 360 ml है। ये इसकी लिड है। ये इसका वारंटी कार्ड है, इस पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है। इसकी बॉडी देखिए डबल लेयर में है, बीच में इसके हीटर दिया हुआ है और इसकी बॉडी को आपको पानी में नहीं डालना है। इसकी लिड देखिए दोनों तरफ से ओपन हो सकती है, इस तरह से हट जाता है। चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं और चेक करते हैं कि कितना यूज़फुल है। इसके लिए मैं इसके कंटेनर में पानी भर रही हूँ। इसके प्लग को मैं सॉकेट में लगा दूंगी। देखिए, यहाँ पे ये इसका इंडिकेटर जल गया है। ये लंच बॉक्स 80 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। इस लंच बॉक्स को आप ऑफिस में, शॉप में ले जा सकते हैं और अपने खाने को बड़ी आसानी से गर्म कर सकते हैं। बस आपको इसके प्लग को सॉकेट में लगाना है और 20 से 25 मिनट तक लगाए रखना है। बस उसके बाद आपका फूड गर्म हो जाएगा। देखिए, 20 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें रखा हुआ पानी कितना गर्म हुआ है। इसके लिए मैं प्लग निकाल दिया है मैंने। इसकी लीड को खोलते हैं। देखिए, इसमें पानी गर्म हो गया है। अब इसमें आप फूड जब गर्म करेंगे तो आपका वो फूड खाने लायक गर्म हो जाएगा। आप इस लंच बॉक्स को ऑफिस में ले जा सकते हैं और बड़े आसानी से अपने गर्म फूड को एंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।